आज हम देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज के ऊपर, जिसको आपने काफ़ी पसंद किया, और आज मैंने चाह के आपको बताऊं, क्योंकि उसमें मैंने फर्स्ट चॉइस जो आपने रखी थी होस्टिंग की वो थी ड्रीम होस्ट, जो कि एक बड़ी पॉपुलर वेब होस्टिंग सर्विस है। तो ड्रीम होस्ट को मैंने उसमें प्रमोट किया था और टॉप पे मैंने उसे रखा था उस वीडियो में। मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग अपनी करंट होस्टिंग से ड्रीम होस्ट के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूं कि आप किस तरह से अपनी किसी भी वेबसाइट को, अगर वो किसी भी होस्टिंग के ऊपर है, उसे ड्रीम होस्ट के ऊपर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। अब वैसे तो बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं मार्केट के अंदर, जैसे साइट ग्राउंड है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, या और बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, लेकिन मैं ड्रीम होस्ट क्यों यूज करता हूँ और मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। आपने अगर देखनी है तो वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में थोड़े आपको पहले बेनिफिट्स बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपनी करंट साइट को ड्रीम होस्ट के ऊपर किस तरह से मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ड्रीम होस्ट एक बहुत बड़ी सर्विस है और तकरीबन 1.5 मिलियन वेबसाइट्स ड्रीम होस्ट पे होस्ट करती हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है। अब इनकी परफॉर्मेंस देखें तो ऑलवेज अमेजिंग है, इनका अप टाइम जो है वो सबसे ज्यादा है। तो एक तो ये आपको अप टाइम बहुत जबरदस्त देते हैं, इनकी परफॉर्मेंस ऑलवेज अमेजिंग है। इनके प्लान्स, सबसे अच्छी बात यह है कि इनके प्लान्स बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत सस्ते हैं, तो अगर आप इस पे मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं, कोई सस्ती कर रहे हैं या कोई भी महंगी सर्विस कर रहे हैं जैसे ब्लू होस्ट या साइट ग्राउंड, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे मूव करें, क्योंकि परफॉर्मेंस ये उसी लेवल की देती है जो आपको साइट ग्राउंड या ब्लू होस्ट ऑफर करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये अफोर्डेबल हैं, जहां पर वो आपसे $5 से $6 ले रहे होते हैं, वहां पे ये आपसे $2 या $3 लेते हैं। अब चलते हैं सीधा माइग्रेशन के ऊपर कि मैं अपनी वेबसाइट को कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ ड्रीम होस्ट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा अपनी साइट की aftabhasan.com, जो कि फिलहाल होस्टेड है ब्लू होस्ट के ऊपर, और मैं इसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, माइग्रेट करना चाहता हूँ ड्रीम होस्ट के ऊपर। आपने सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं और आपकी वेबसाइट एक होस्ट से ड्रीम होस्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। अब ड्रीम होस्ट पे होस्टिंग इंस्टॉल करने से पहले आपको एक प्लान पिक करना पड़ेगा, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। अब ये सारे प्लान्स हैं, मैं लूँगा शेयर्ड होस्टिंग और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिल जाती हैं मुझे, उसके बाद अनलिमिटेड ट्रैफिक, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। तो इस प्लान को पिक करने के लिए मैं क्लिक करूंगा साइन अप नाउ, एंड मेरे पास अब 3 ऑप्शंस आ चुके हैं, चूज़ अ डोमेन लेटर के बाद में डोमेन चूज़ करें, रजिस्टर न्यू डोमेन कि आप नई डोमेन रजिस्टर करें, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं अब क्लिक करूंगा इस पर, आई हैव ऑलरेडी अ डोमेन, और अब मुझे यहाँ पे डोमेन एंटर करनी है। लेकिन राइट साइड में अगर आप देखें तो प्लान्स पिक करने के आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप 3 ईयर, मंथली या फिर ईयरली जाना चाहते हैं। तो मैं 1 साल के लिए जाऊँगा तो मैं ये लूँगा। उसके बाद नीचे डोमेन ट्रांसफ़र फ्री है और टोटल 1 मंथ की कॉस्ट मेरी बन रही है $35, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही रिलायबल है। अब मैं यहाँ पर अपनी डोमेन एंटर करूँगा aftabhasan.com, जिसे मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो चलिए क्लिक करते हैं अब असाइन पे, और असाइन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब मुझे ये चेकआउट पे लेके आएगा, और अब यहाँ पे मैं चेकआउट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक रिकैप्चा फिल करना है, तो चलिए करते हैं रिकैप्चा फिल, एंड फिर हम डालेंगे अपने कार्ड की डिटेल्स। तो मैं अब कार्ड की डिटेल यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि पेमेंट करनी है, और उसके बाद हम करते हैं ऐड क्रेडिट कार्ड। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, सिंपल नॉर्मल। और अब आता है स्टेप हमारा अकाउंट क्रिएशन का, कि आपने अपने ड्रीम होस्ट के लिए अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल करें आप, ईमेल और नाम, और यहाँ पे सबमिट पे कर दें क्लिक। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा काम है वो हो जाएगा, आपने प्लान पिक कर लिया है। अब डायरेक्टली आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे अपनी ड्रीम होस्ट होस्टिंग के लिए। इसी पासवर्ड को यूज़ करते हुए आप अपनी ड्रीम होस्ट के अकाउंट को एक्सेस करेंगे। तो अब कंटिन्यू टू कंट्रोल पैनल करते हैं, एंड वेलकम, ड्रीम होस्ट का हमारा हो गया। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस करें ताकि वर्डप्रेस हमारी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल हो जाए। अब ये है ड्रीम होस्ट का पैनल, जहाँ पे सारी होस्टिंग डोमेन्स सब कुछ आप मैनेज करेंगे यहाँ पे। अब एक की चाहिए आपको माइग्रेशन की, तो वेबसाइट्स में जाएं, मैनेज वेबसाइट्स, और अपनी इस वेबसाइट पे क्लिक करें जो आपने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। और जैसे ही मैनेज पे आएंगे तो अब ये इंडिविजुअल सेटिंग्स, ये है आपकी की, इस गेट की के बटन पे क्लिक करें और ये आपकी की आ गई। अब ये है माइग्रेशन की, से यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करें
और आ जाएं वर्डप्रेस के अंदर, जिस साइट को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, प्लगइन्स में आएं ऐड न्यू, और जैसे ही आप प्लगइन्स ऐड न्यू करेंगे तो अब आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है ड्रीम होस्ट का। तो यहाँ पे सर्च करें ड्रीम होस्ट, और जैसे ही सर्च करेंगे तो इनका ऑफिशियल प्लगइन आपको मिल जाएगा जिसे आपने इंस्टॉल करना है। तो क्लिक करते हैं जी इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद हम उसे करेंगे एक्टिवेट। तो लेट्स क्लिक ऑन एक्टिवेट, और ये प्लगइन आपकी साइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपने वही ईमेल डालनी है जो आपने ड्रीम होस्ट के ऊपर होस्टिंग लेते वक्त डाली थी। तो यहाँ पे अब मैंने ईमेल डाल दी अपनी मेन, और एग्री करके हम करेंगे माइग्रेट। जैसे ही माइग्रेट पे क्लिक करेंगे आप, तो जनाब आपके सामने अब की मांगेगा, जो की हमने वहाँ से कॉपी किया है अपनी साइट से, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। ड्रीम होस्ट वाली की आप यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो आपने फिर सिंपली क्लिक कर देना माइग्रेट के ऊपर, एंड डन, प्रोसेस हो गया। बस इतना सा प्रोसेस है और आपकी किसी भी होस्टिंग से वेबसाइट ड्रीम होस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये प्रोसेस ख़त्म होता है, थोड़ी देर आपने कॉफ़ी पीनी है और फिर ये हो जाएगा। उसके बाद ये जी आपका कंप्लीट हो गया, विजिट माइग्रेटेड साइट एंड हेयर इज़ आवर साइट। अब ये ड्रीम होस्ट के ऊपर होस्टेड है, और ब्लू होस्ट से कुछ ही मिनट्स में हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया ड्रीम होस्ट के ऊपर। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसको आप फॉलो करके अपनी वेबसाइट को ड्रीम होस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आपने देख लिया कि कितने सिंपल तरीके से हमने सिर्फ दो तीन स्टेप्स के अंदर ही इसे ट्रांसफ़र कर लिया अपनी ड्रीम होस्ट न्यू होस्टिंग के ऊपर। तो ये कुछ थोड़े सिंपल से स्टेप्स थे जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करते हैं। अब अगर एडिशनली आप कोई भी और वेबसाइट ड्रीम होस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी आपकी दो तीन साइट्स हैं जिनको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो सिंपल प्रोसीजर होगा। फर्स्ट वेबसाइट तो ऐसे होगी जैसे मैंने आपको बताया। अब सेकंड करनी है तो सिंपली आपने एक न्यू डोमेन ऐड करनी है इस होस्टिंग के ऊपर, और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपने अपनी करंट वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ जाके वही सेम प्लगइन इंस्टॉल करना है, और फिर ड्रीम होस्ट में आके वही आपने टोकन कॉपी करना है जो माइग्रेशन का टोकन होगा, और वो टोकन आपने प्लगइन में डालना है, और डायरेक्टली आपकी कुछ ही मिनट्स में आपकी वेबसाइट वहां से यहां ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप चाहते हैं किसी होस्टिंग थीम प्लगइन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और फेसबुक ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ड्रीम होस्ट को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप कोई भी होस्टिंग यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ड्रीम होस्ट को यूज़ करें। सेम परफॉर्मेंस लेकिन कम बजट, ये इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनके जो प्लान्स हैं वो अफोर्डेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।